हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड आज की इस वीडियो के अंदर मोबाइल फोन से यूट्यूब वीडियो थंबनेल बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आप अपने मोबाइल फोन से एक एचडी यूट्यूब वीडियो थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि थंबनेल के लिए दोबारा आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मोबाइल फोन से एक अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके लिए आपको अपने फोन के अंदर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज प्ले स्टोर से जाके भी आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट में 3 डॉट का एक निशान दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल चूज कर लेना है, क्योंकि हम यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं और भी वहाँ पे आप बहुत कुछ बना सकते हो। थंबनेल के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड में किसी भी एक कलर को रख सकते हो। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लू, रेड, येलो, जो भी कलर आपको रखना है वो कलर आप रख सकते हो। यहां से आप मैनेज कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए होगा। जैसे यहां पे आपको एक साथ दो कलर चाहिए तो आपको ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे एक साथ अपने बैकग्राउंड में दो कलर को रख सकते हो। यहां से आप कलर को मैनेज कर सकते हो, रेड, ब्लू या फिर ब्लैक, व्हाइट, जो भी कलर आपको रखना है आप रख सकते हो। या फिर फ्रेंड आपको पिक्सेल लैब में भी बहुत से इमेजेस मिल जाते हैं, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को भी आप यूज कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो थंबनेल के बैकग्राउंड के लिए। बहुत से यहां पे इमेज मिल जाता है रेडीमेड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको आप यूज कर सकते हो। ये पिक्सेल लैब का ही खुद का प्रोडक्ट है, तो इससे आपका कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। या फिर आपने गैलरी के अंदर डाउनलोड करके रखा है तो फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने गैलरी से भी कोई थंबनेल के लिए बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो। जैसे इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल फ्रेंड यहाँ पे मैं कलर को यूज करने वाला हूँ, तो कलर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक सिंगल कलर को, डबल कलर को यूज करने वाला हूँ, ये कलर। अब यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको कलर चाहिए। मुझे ये दोनों कलर चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड न्यू टेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का एक ऑप्शन दिख जाएगा लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करके आपको न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर लेना है। थंबनेल के लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट को यूज़ करना चाहते हो या फिर अपने फोटो को इसमें लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिखेगा टॉप में, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना इमेज लगाना है उसमें, या फिर कोई बैक इमेज के अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे अपना फोटो ही अपने थंबनेल में लगाना है तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको राइट, लेफ्ट जो भी आपको करना है इसको कर सकते हो, बहुत इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस साइड इसको रहने देता हूँ, डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद आप इसको जैसे चाहो अपने हिसाब से जहाँ पे आप चाहो वैसे यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस साइड में इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप में आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने से क्या होगा फ्रेंड कि आप इस पर काम करोगे तो ये हिलेगा नहीं, आप ये फाइनली लॉक हो चुका है। अगर फ्रेंड आपको मोबाइल का स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाना है तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसमें भी आप लेफ्ट राइट वगैरह कर सकते हो। इसको फ्रेंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। क्रॉप वगैरह करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जितना आपको क्रॉप करना है आप उसको अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं क्रॉपिंग कर लेता हूँ इसको। उसके बाद आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद इसमें मोबाइल का फ्रेम वगैरह आपको ऐड करना है, वो भी बहुत इजीली कर सकते हो उसको। इसके लिए पहले आपको डाउनलोड करके अपने गैलरी के अंदर रखना होगा। फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं पहले से मोबाइल फ्रेम को डाउनलोड करके रखा हूँ। जहाँ पे भी है गैलरी में मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा मोबाइल फ्रेम पहले से डाउनलोड है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद जैसे चाहो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट ये फ्रेंड मैं आपको दिखाने के लिए किया था, मुझे यहाँ पे अपने थंबनेल में अपना फोटो ही चाहिए तो मैं फोटो लगा लिया हूँ, उसको मैं आप लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कुछ भी टैग्स आपको डालना होगा, तो डालने के लिए आपको ए वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट करके आएगा, इस पर आपको दो बार टैप करना है। दो बार टैप करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाएगा, जो भी आपको लिखना है आपको लिख देना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। लिखने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फॉन्ट का ऑप्शन। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बहुत सा फॉन्ट मिल जाता है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं इस वाले फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। उसका डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। फिर आपको इसका कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इसको जो भी कलर में डालना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, येलो, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। या फिर आप इसको दो कलर में रखना चाहते हो तो दो कलर में भी रख सकते हो। दो कलर में रखने के लिए आपको ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कलर आप डबल कलर रखना चाहते हो आपको यहाँ से मैनेज कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आप डबल कलर रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंगल कलर ही रखता हूँ। मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद मैं यहाँ पे यूट्यूब का एक लोगो ऐड कर देता हूँ। इसके लिए प्लस वाले आइकन पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ। फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले से यूट्यूब का एक लोगो डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से मैं
YouTube के लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं इसको बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ, काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा ये कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें आप बहुत कुछ इसको एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इसको 3D शेप में ला सकते हो, 3D शेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, इसका डार्कनेस या फिर आप यहाँ पर रेजोल्यूशन को ये कर सकते हो। ये 3D काफ़ी अच्छा लगा, देखो इस तरीके का हो गया। इस पर मैं डन करता हूँ, आपको एक बार दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का शेप में आ जाता है ये। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, डन करता हूँ, मुझे नहीं रखना है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है शैडो का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें आप ब्लैक शैडो या फिर जो कलर का आपको शैडो लाना है वो कलर का आप शैडो डाल सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का भी सिलेक्ट है, कुछ इस तरीके से मैं डन करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। या फिर फ्रेंड आपको और भी कुछ यहाँ पर मिल जाता है, आपको जैसे यहाँ पर मिल जाता है ओपेसिटी का ऑप्शन, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, ये भी मुझे अभी नहीं करना है। यहाँ पर 3D इरिटेड का मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, आपने देखा भी होगा कई लोगों में, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है फ्रेंड, इसको फिलहाल मैं डन कर लेता हूँ, अब रहने देता हूँ। यहाँ पे आप धीरे धीरे थंबनेल बनाना स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख जाओगे, तो धीरे धीरे सीख सकते हो वो आप। तो यहाँ पे ये हो चुका है मेरा फिलहाल लोगो और YouTube जो मैंने लिखा है वो मेरा डन हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं लिख देता हूँ थंबनेल, YouTube थंबनेल कैसे बनाए मुझे लिखना है, तो मैं थंबनेल लिख दिया हूँ, आपको लिखने आ ही गया है कैसे आपको टेक्स्ट लिखना है। तो थंबनेल लिखने के बाद इसका भी आप फॉन्ट कैसे चेंज करना है वो मैंने बता ही दिया है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जैसा फॉन्ट रखना है वैसा आप रख सकते हो। कलर मैं रेड कर लिया हूँ, टी बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड में कोई भी एक सिंगल कलर डाल सकते हो या फिर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक साथ इसके बैकग्राउंड में दो कलर को भी आप डाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे फ्रेंड इसके बैकग्राउंड को मैं व्हाइट रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं व्हाइट करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक स्पेसिंग का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके स्पेस को ज़्यादा कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको करना हो। ये बस मैं एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि कभी आपको यूज़ करना हो तो कर सकते हो। स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पे इसके स्टॉक में कुछ इस तरीके से कलर डाल सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए होगा, ब्लू व्हाइट ब्लैक यहाँ से आपको मैनेज करना है और जो भी कलर आपको रखना है आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको रेड कर दिया हूँ। आप फ्रेंड अगर इसको आपको बैक आना है, अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको बैक कैसे आना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है अंडू का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आप एक स्टेप बैक आ जाओगे। आपको कट वगैरह नहीं करना है, बैक करने के लिए अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जस्ट। एक और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया है कैसे बनाए, कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से कर्व कर सकते हो जैसे आपको करना है। तो यहाँ से मुझे ये नहीं रखना है, मैं इसको ये कर लेता हूँ। स्पेसिंग वो मैंने बता ही दिया है कि स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके स्पेस को इस तरीके से बढ़ा या फिर घटा सकते हो। यहाँ पे लाइन का ऑप्शन दिखता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके एरिया को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्टॉक को यहाँ पे जो भी कलर स्टॉक में आपको डालना है डाल सकते हो, रेड ब्लू व्हाइट ब्लैक, ये भी मैंने यूज़ करके बताया है आपको। साइडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप साइडो डाल सकते हो, इसके पीछे में ब्लैक ब्लू जो भी आपको कलर डालना है साइडो डाल सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। या फिर यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको नहीं बताया अभी यूज़ करने का, 3D टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे 3D वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको 3D कर सकते हो। देख सकते हो 3D कुछ इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको आपको डन करके दिखाता हूँ कितना ज़्यादा खतरनाक लगता है देखने में। यहाँ पे डन कर दो, देख सकते हो ये 3D आपका हो चुका है। तो फिलहाल मैं इसको 3D भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 3D रूटेड मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको रूटेड कर सकते हो। यहाँ पे 3D साइडो मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप 3D साइडो ला सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको देखने को लगेगा। यहाँ पे मैं डन करके आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से 3D साइडो। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किसी चीज़ को आपको ड्रॉ कैसे करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिलहाल मैं इसको बता दिया हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन दिखता है, इसका अक्सर यूज़ होता है थंबनेल में कुछ किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप एरो को यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसका यूज़ अभी नहीं करना है, इसकी ज़रूरत अभी मुझे नहीं है। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आप किसी और थंबनेल में इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टिकर का, स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बहुत सा स्टिकर मिल जाता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने थंबनेल में। और भी यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहा होगा लेकिन थंबनेल बनाने में उसका कोई काम नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको उसका ही यूज़ करके बताया हूँ। यहाँ पे इसको सेव करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, JPG वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको PNG वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर भी आप इसको प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करके रख सकते हो। सेव टू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पिक्सल लैब एप्लीकेशन में भी सेव रहेगा। ओपन PLP फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको कभी भी चाहो तो एडिट कर सकते हो, ये आपके पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर ही रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।